गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम कुछ रूल्स की बात करेंगे जो TDS से रिलेटेड हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर पेमेंट हम गवर्नमेंट को कर रहे हैं या RBI को कर रहे हैं तो उस समय क्या सीन रहेगा। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को या RBI को या किसी भी स्टैचूटरी कॉरपोरेशन को या म्यूचुअल फ़ंड को अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो उस समय कोई भी TDS डिडक्ट नहीं होगा, राइट। गवर्नमेंट, RBI, स्टैचूटरी कॉरपोरेशन या म्यूचुअल फ़ंड को कोई भी पेमेंट करते समय, म्यूचुअल फ़ंड जो कि सेक्शन 10 में एग्जेम्प्टेड माने जाएंगे, तो उनको कोई भी पेमेंट आप कर रहे हो तो TDS हम नहीं काटेंगे। दूसरी बात, TDS एट अ लोअर रेट। तो कई बार क्या होता है कि SSC एक एप्लीकेशन देता है टैक्स डिडक्टर को, जिसमें कुछ सेक्शन आप देख सकते हो 192 से लेकर 194M तक कुछ सेक्शन है। इन सेक्शन के लिए अगर ये सेक्शन हम पर अप्लाई हो रहे हैं और इस केस में अगर SSC एक एप्लीकेशन देता है असेसिंग ऑफिसर को, तो असेसिंग ऑफिसर में भी उसे एक सर्टिफिकेट इशू कर सकता है कि यस, आपकी इस इनकम पर TDS या तो कटेगा नहीं या फिर लोअर रेट से कटेगा। तो ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद वो पर्सन जो कि TDS काटने वाला है, उस पर्सन को फिर TDS या तो काटना नहीं है या लोअर रेट से काटना है, जैसा कि असेसिंग ऑफिसर ने डायरेक्ट उसको किया है, ठीक है। फिर आ रहा है नो डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर असेसिंग ऑफिसर क्लियरली मेंशन कर दे कि यहां या इस इनकम पर TDS नहीं काटा जाएगा। फिर आ रहा है टैक्स डिडक्टेड इज़ इनकम। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आपकी लॉटरी निकली है 15,000 की, आपने TDS दिया 30% से, दैट इज़ 4,500, राइट। लेकिन जब आपकी ग्रोस टोटल इनकम हम निकालेंगे तो उस केस में आपकी इनकम में 15,000 लिखा जाएगा, ना कि 10,500। यानी कि आपकी इनकम जो कि नेट इनकम है, जो कि TDS काटने के बाद आपको मिली है, उसमें TDS वापस जोड़कर हम GTI में वही लिखेंगे जो कि ग्रॉस अमाउंट है, और इसका क्रेडिट हम आपको नीचे जब आपका टैक्स कैलकुलेट होगा तब देंगे। यानी 4,500 हम ऊपर लेस करने की बजाय नीचे जहां पर टैक्स पेबल वाली कैटेगरी होगी वहां हम लेस करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब होता है क्रेडिट कहां मिलेगा आपको, बॉटम लाइन में मिलेगा, अपर यानी GTI के टाइम पे आपको ग्रॉस इनकम ही ऐड करनी है। ड्यूटी ऑफ टैक्स डिडक्टर, टैक्स डिडक्टर की ड्यूटी क्या है कि आपसे टैक्स काटा उसने और उसके बाद उसको अपनी जेब में नहीं रखना है, बल्कि उसको सरकार को यानी सरकारी खजाने में एक प्रॉपर टाइम तक जमा कराना है हर हालत में। नहीं कराएगा तो वो असेसी इन डिफ़ॉल्ट माना जाएगा और फिर उसको बहुत सारी पेनल्टीज भी लग सकती हैं, इवन जेल भी हो सकती है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेलियर टू डिडक्ट और पे। अगर एक पर्सन जो टैक्स डिडक्टर है आपकी इनकम में से टैक्स नहीं काट रहा है या काट रहा है लेकिन जमा नहीं करा रहा है सरकार को, इन दैट केस वो SSC इन डिफॉल्ट माना जाएगा। लेकिन अगर हमने अपनी इनकम पर टैक्स टाइम पर दे दिया है, हमने रिटर्न भर दी, हमने रिटर्न में वो इनकम शो कर दी, हमने उस इनकम पर टैक्स भी दे दिया, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। टैक्स डिडक्टर ने बेशक से हमारी इनकम में से टैक्स ना भी काटा हो, लेकिन अगर रिसिपिएंट ने वो टैक्स टाइम पर पे कर दिया है देन वो टैक्स डिडक्टर बच जाएगा और SSC इन डिफ़ॉल्ट नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट है, अगर एक टैक्स डिडक्टर फेल हो जाता है डिडक्ट करने से या फेल हो जाता है डिडक्ट करके डिपॉजिट करने से, देन उसको पेमेंट करना होगा इंटरेस्ट का भी। ये उसके ऊपर पेनल्टी है एक तरह से। अब क्या है पेनल्टी, मान लीजिए उसने डिडक्ट ही नहीं किया, या फिर पहला वाला जो पोर्शन है कि डिडक्ट तो किया, ठीक है, डिडक्टिबल था, कोई अमाउंट डिडक्टिबल था, लेकिन उसने जो है डिडक्ट लेट किया, यानी कि मान लीजिए आज डिडक्ट करना था और उसने 2 महीने बाद डिडक्ट किया, तो उन 2 महीने का 1% से उसके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, 1.5 का मतलब क्या है, उसने जो है डिडक्ट तो कर लिया लेकिन पे नहीं किया। अभी पहले वाले में तो डिडक्ट लेट किया था, दूसरे वाले में डिडक्ट तो कर लिया लेकिन सरकार को नहीं दिया पैसा, तो जितना दिन पैसा वो आपने अपने पास रखे हुए हो तो आपको 1.5% पर मंथ के हिसाब से उसके ऊपर क्या देना होगा, इंटरेस्ट देना होगा। तीसरी बात एक और भी है, मान लीजिए एक रिसिपिएंट ने अपनी इनकम में रिटर्न में दिखा दिया है, ओके रिटर्न भर दी हमने, ठीक है ना, जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे, तो आपने रिटर्न भर दिया है, तो जिस दिन आपको डिडक्ट करके यानी डिपॉजिट कराना चाहिए था सरकार को
उस डेट से जिस दिन उसने रिटर्न भरी है रिसिपियंट ने, उन दोनों के मंथ्स का कंपैरिजन करके जो आएगा उसके ऊपर फिर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वो इंटरेस्ट भी इसी तरीके से ही होगा कि जो है आपने पैसा एक तरीके से आया बट आपने जमा नहीं कराया। तो दो बातें क्लियर हो गई, एक जब आपको एक्चुअली डिडक्ट करना था लेकिन आपने लेट डिडक्ट किया तो उसका अमाउंट लेकर और उतने टाइम को लेकर हम 1% से इंटरेस्ट लगा लेंगे, और देगा कौन? जो असेसी इन डिफ़ॉल्ट है। और असेसी इन डिफ़ॉल्ट कौन है? जो टैक्स डिडक्टर है। दूसरी बात, अगर आपने टैक्स डिडक्ट तो कर लिया बट आपने गवर्नमेंट को पे नहीं किया, देन यू विल हैव टू पे द इंटरेस्ट ऑन दैट अमाउंट फॉर दैट पीरियड एट द रेट ऑफ 1.5%। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हम आ रहे हैं, अमाउंट ऑफ टैक्स नॉट पेड एंड इंटरेस्ट शैल बी चार्ज अपॉन ऑल एसेट्स। मतलब क्या है, अगर आपने टैक्स पे नहीं किया वो वाला सरकार को, और आपकी एसेट्स जो होंगी ना उसमें से सरकार रिसीव करेगी फिर वो टैक्स का अमाउंट। नेक्स्ट इज, अगर एक पर्सन फेल हो जाता है TDS भरने से तो वो पनिशेबल भी है, 3 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल है। बहुत तगड़ा ऑफेंस माना जाएगा इसको, तो 3 महीने और 7 साल की, 3 महीने से लेकर 7 ईयर्स तक की जेल है, और प्लस में वो जो आपकी पेनल्टी है वो अलग है। ठीक है, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट भी क्या है, हाँ नेक्स्ट को हम स्किप करेंगे, पहले इस पॉइंट पे जाएंगे, इशू ऑफ सर्टिफिकेट। अभी इशू ऑफ सर्टिफिकेट का क्या मतलब होता है, जब भी कोई टैक्स डिडक्टर आपके इनकम में से टैक्स डिडक्ट करता है तो इसका एक प्रूफ वो आपको सर्टिफिकेट की फॉर्म में देता है। अब मान लीजिए आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो आपका एम्प्लॉयर आपको एक सर्टिफिकेट देगा, उसका नाम है फॉर्म 16। ये फॉर्म 16 हमेशा एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है जब वो TDS कट करता है, और अगर कोई और इनकम है तो उसके ऊपर फॉर्म नंबर 16A दिया जाएगा। और अगर ऐसी कोई इनकम है जो अंडर सेक्शन 194M में आती है उसके लिए फॉर्म नंबर 16D दिया जाएगा। मतलब याद रखिए, फॉर्म 16 है सैलरी के लिए, फॉर्म 16A है अदर इनकम के लिए, फॉर्म 16D है अंडर सेक्शन 194M के लिए। ठीक हो गया, अब आ जाता है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। तो ऑब्वियसली जिस तरीके से असेसी को अपने लिए एक पैन लेना होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर कहाँ से लेना होता है, ऑब्वियसली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, इसी तरह से टैक्स डिडक्टर को भी एक नंबर लेना होता है, टैन टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, क्योंकि उसको ये नंबर अपने हर फॉर्म में जहाँ जहाँ वो टैक्स डिडक्ट करता है और जब भी सरकार को डिपॉजिट करता है या सरकार के साथ या डिपार्टमेंट के साथ जो भी वो कॉरेस्पॉन्डेंस करता है उसमें उसको वो नंबर मेंशन करना है। तो इसका मतलब है कि उसके पास वो नंबर होना चाहिए। अगर आपके पास वो नंबर नहीं है देन यू विल हैव टू अप्लाई ऑन फॉर्म नंबर 49B विद इन 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ जब आपने टैक्स काटा, लेकिन आपके पास तो नंबर ही नहीं है टैक्स काटने का, तो टैन कैसे लाओगे? उसके लिए आप 1 महीने के अंदर अंदर फॉर्म 49B को फिल कीजिए, असेसिंग ऑफिसर के थ्रू आपको फिर वो नंबर आ जाएगा। ठीक है, और आपको हर कॉरेस्पॉन्डेंस में उस नंबर को मेंशन करना है। ठीक है, फिर अगले रूल पे आ जाते हैं, बार अगेंस्ट डायरेक्ट डिमांड फ्रॉम असेसी। आपको टैक्स काटना था, आपने नहीं काटा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार जो है असेसी के पीछे लग जाएगी कि टैक्स दो। नो, टैक्स काटने की जिम्मेवारी जिसकी है ना, टैक्स उसी से ही लेना है, असेसी से टैक्स नहीं लेना है। असेसी ने तो टैक्स दे दिया ना टैक्स डिडक्टर को, चाहे नहीं भी दिया हो, लेकिन ये तो टैक्स डिडक्टर की ड्यूटी थी कि उससे टैक्स काट कर सरकार को देता, बट उसने अपना काम पूरा नहीं किया तो असेसी की इसके ऊपर कोई फॉल्ट नहीं है। ठीक है, तो असेसी शैल नॉट बी लाइबल टू पे टैक्स, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ TDS। अभी अभी मैंने आपको 3 फॉर्म बताए, फॉर्म 16, फॉर्म 16A, फॉर्म 16D। फॉर्म 16 आपको मिल जाना चाहिए अब फाइनेंशियल ईयर जो असेसमेंट ईयर है 15 जून तक। ठीक है, क्योंकि आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो भरनी होती है तो उसके साथ भी फॉर्म 16 अटैच होता है। फॉर्म नंबर 16A या 16D आपको जब भी वो इसमें क्योंकि क्वार्टरली ही जाएगी ना रिटर्न, तो जब भी वो अपना रिटर्न भरेगा उसके 15 दिन के अंदर अंदर ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न, जो भी हमारा TDS डिडक्टर है वो अपनी क्वार्टरली रिटर्न भरता है, तो वो अपनी रिटर्न भरने के 15 दिन के अंदर अंदर आपको ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देगा। ठीक है,
डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, मान लीजिए TDS सर्टिफिकेट गुम हो जाता है तो आपका TDS डिटेक्टर आपको डुप्लीकेट सर्विस सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकता है। टाइम लिमिट ऑफ फॉर डिपॉजिटिंग द सम डिडक्टेड एट सोर्स, जो भी TDS उसने काटा है उसको कब तक उसको सरकार को जमा कराना है। तो यहाँ पर दो बातें हैं, पहली बात अगर तो हमारी सरकार ही हमारा TDS डिडक्टर है, मान लीजिए आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपकी सैलरी पर सरकार ही तो टैक्स काटने वाली है ना, तो इसलिए अब सरकार ने टैक्स काट कर सरकार को ही देना है, तो उस केस में क्या होगा कि सेम डे जिस दिन टैक्स काटेगी सेम डे आपको जो है चालान के थ्रू अगर नहीं काटेगी तो सेम डे ही आपको मतलब वो जो पैसा सरकार को जमा हो जाएगा इनडायरेक्टली। अच्छा दूसरी बात, अगर टैक्स काटने वाला कौन है चालान के साथ, मतलब गवर्नमेंट ही काट रही है बट चालान के साथ काट रही है, तो हर महीने के जिस दिन भी वो मतलब जिस मंथ में वो काटती है आपका टैक्स उस महीने के अगले महीने की 7 तारीख तक वो जो है आपको वो सरकार को जमा हो जाएगा वो पैसा। फिर से बता रही हूँ, टाइम लिमिट है हमारी डिपॉजिट करने की जो टैक्स काटा गया है। अब हमने नहीं टैक्स जमा कराना, कराना किसने है, टैक्स डिडक्टर ने कराना है। तो टैक्स डिडक्टर अगर गवर्नमेंट है तो देखेंगे दो पॉइंट, चालान के साथ या चालान के बगैर, अगर विदाउट चालान है तो सेम डे, विद चालान है तो नेक्स्ट मंथ की 7th तक। अभी दूसरे पॉइंट आ जाता है, मान लीजिए डिडक्टर कोई और पर्सन है, गवर्नमेंट नहीं है, तो अगर वो मार्च में टैक्स काटता है तो 30th अप्रैल है, और किसी और मंथ में काटता है तो हर महीने के अगले जो भी महीना मतलब उसने काटा है उससे नेक्स्ट मंथ की 7th डेट आ जाएगी। और अगर हमारी इनकम है 194M वाली तो 30 डेज जिस भी महीने टैक्स काटा जाएगा उससे अगले 30 दिन आपको मिल जाएंगे टैक्स जमा कराने के। तो ये तो हो गया टैक्स की लिमिट डिपॉजिट करने की। अब आ रहा है फर्निशिंग ऑफ रिटर्न इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू रेजिडेंट। अब ये वाला पॉइंट पहले देख लेते हैं। हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जब अपने यहाँ पर जो डिपॉजिट्स हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट देती हैं, तो अगर वो इंटरेस्ट 40,000 से कम है या कुछ केसेस में 5,000 से कम है राइट, तो वो TDS नहीं काटती है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा है तो TDS काटती हैं वो। तो अब आप ये देख रहे हैं कि मान लीजिए 40,000 से कम अमाउंट वो आपको पे कर रही हैं, तो इसका मतलब वो TDS नहीं काटेंगी, बट उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो खुद रिटर्न भरेंगी उस चीज़ का उस अमाउंट के लिए, और सरकार को सरकार को वो स्टेटमेंट देंगी। तो कौन देगा, बैंकिंग कंपनी देगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी देगी, या जो भी पब्लिक कंपनी है वो देगी ठीक है। लेकिन 5,000 या 40,000 जो भी हमने बताया था ना, या तो 40,000 का केस था या कुछ केसेस में 5,000 भी था। ओके जी, तो ये हो गया हमारा सीन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने का। तो बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पब्लिक कंपनी जो है इस केस में क्या करेगी, रिटर्न फिल करेगी इन केस वो इंटरेस्ट तो पे कर रही है बट TDS नहीं काट रही है ठीक है। नेक्स्ट इज़ रिक्वायरमेंट टू फर्निश परमानेंट अकाउंट नंबर। तो पैन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू फ्रॉम इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू। जब भी आप टैक्स कटवाते हैं तो आपकी ड्यूटी है कि अपना पैन जो है अपने टैक्स डिडक्टर को बताइए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं या आप गलत नंबर बताते हैं या इनवैलिड नंबर बताते हैं तो आपके ऊपर भारी पेनल्टी लग सकती है ठीक है। तो पहली बात है आपकी ड्यूटी है, दूसरी बात अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको एक लॉस होगा। वो लॉस ये होगा कि अगर आपकी कोई भी इनकम जिस पर TDS कटना था कट भी गया बट आपने पैन नहीं दिया, तो उस अमाउंट पर TDS मान लीजिए 2% से कटना था बट आपको यहाँ 20% या फिर वो रेट जो सेक्शन में होगा, मान लीजिए अगर मान लीजिए मैं लॉटरी की बात करती हूँ, लॉटरी में तो 30% होता है ना, तो ऐट द रेट स्पेसिफाइड इन द रेलेवेंट सेक्शन में 30% है, ऐट द रेट और रेट्स इन फोर्स मान लीजिए उस समय अचानक कोई सरकार ने नया रेट लगा दिया तो वो हो गया, या फिर इन्होंने बता रखा है 20%। तो अब ये लॉटरी के 30% का 20% से कंपेरिजन करूँ तो मेरा तो ऑलरेडी 30% कटा है तो यहाँ तो मुझे लॉस होगा नहीं। लेकिन कई बार कुछ इनकम ऐसी होती है जिस पर TDS मान लीजिए 2% से कट रहा है, वो वहाँ तो आपको 20% देना पड़ जाएगा ना, तो वहाँ आपको थोड़ा सा लॉस होगा। हालांकि लॉस एज सच नहीं है क्योंकि TDS ऐसी चीज़ है जो आज नहीं कटवा रहे हो तो कल तो आप कटवाओगे, मतलब टैक्स तो आपको पे करना है, कोई ये तो है नहीं है कि आज आप टैक्स नहीं पे करोगे तो आगे भी नहीं करोगे, नहीं ऐसा नहीं है। बट ये है कि वो टैक्स आपको जो है आज ही इतना ज़्यादा पे करना है, जो आप 2% करने वाले थे अब आप 20% करोगे ठीक है। और फिर अगला जो पॉइंट आ रहा है
कि अगर एक पर्सन जो भी अपना पैन कोड नहीं करता है ना, अपने डिटेक्टर को नहीं बताता है, तो उसका जो है या फिर गलत बताता है तो वो इनवैलिड माना जाएगा। और कई बार मैंने आपको एक पॉइंट बताया है कि वो असेसिंग ऑफिसर को कई बार रिक्वेस्ट करता है कि मेरी इनकम पर टैक्स ना काटा जाए या लोअर रेट से काटा जाए, और असेसिंग ऑफिसर उसको एक सर्टिफिकेट इशू करता है। बट अगर पैन नहीं दोगे तो वो सर्टिफिकेट भी आपको इशू नहीं होगा, ये ध्यान में रखना, और आपके इनकम पर हाईएस्ट रेट से टैक्स लगेगा। फिर अगर आप जो है या ये वाला पॉइंट तो मैंने करवा दिया है, ये पॉइंट नंबर 4 ओके हो गया है। आपको अपने सारे कॉरेस्पॉन्डेंस पे अपना पैन लिखना होगा। और फिर उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि इनवैलिड वाला भी बता दिया, अगर पैन आपने गलत बताया तो ये मान लेंगे कि पैन है ही नहीं, पैन है ही नहीं, तो इसका मतलब आपको अपने इनकम पर जो TDS रेट था उससे बहुत ज़्यादा 20% तक जा सकता है, ठीक है ना। अब लेवी ऑफ फी इन सर्टेन केसेस, जो टैक्स डिडक्टर है उसकी एक ड्यूटी होती है कि वो एक स्टेटमेंट फिल करता है और उसको असेसिंग ऑफिसर जो भी मतलब अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है उसको डिपॉजिट करता है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसको 200 रुपये पर डे की फ़ीस चार्ज कर होगी उसके ऊपर। ये एक तरीके से इनडायरेक्ट पेनल्टी मान के चलो आप, ठीक है जी। तो यहाँ तक बात होगी क्लियर कि 200 रुपये की आपको फ़ीस चार्ज करनी पड़ेगी, और हाँ ये पर डे की फ़ीस है, लेकिन जो TDS का अमाउंट था ना उससे ज़्यादा फ़ीस नहीं हो सकती, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अब हम दो इलस्ट्रेशन लेंगे, एक इलस्ट्रेशन मैं लेने वाली हूँ, यस दिस वन, इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे आ जाएं फटाफट। यहाँ पर देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड एट सोर्स। अगर पे ही जो है पैन भरने से फेल हो जाता है तो उसको क्या क्या अमाउंट भरना पड़ेगा TDS के तौर पर। बिल्डिंग उसने किराए पे दी है कंपनी को और रेंट पेबल है 3 लाख रुपए। वैसे तो इसके ऊपर था हमारा 10% और 7.5 था, ठीक है, पार्ट वन और पार्ट टू का, क्योंकि 2,40,000 रुपये से ज़्यादा का जो अमाउंट था उसके ऊपर हमारा 10 और 7.5 था। लेकिन यहाँ पर आप देखो कि उसको 3 लाख रुपए के ऊपर 20% समझ में आ गया, जो हमने अभी बताया था कि 20% फिक्स रेट है वो, या से जो रेट इन फोर्स होगा या जो रेट इन पर्टिकुलर सेक्शन होगा उसमें जो हाईएस्ट रेट है वही लगेगा। तो हाईएस्ट तो 20 है तो 20 लगा देना बजाय 10 के, तो 60,000 आपको टैक्स देना पड़ गया, अदरवाइज़ आप 10% से दे देते अभी तो फ़िलहाल। 1 लाख रुपये लॉटरी के है, लॉटरी पे तो भैया 30% है, उस पर 20 तो है ही नहीं है ही, 30 तो ऑलरेडी वो इतना ज़्यादा है तो वहाँ पे तो 30 ही लगेगा, 30 काटा आपने तो 60 और 30 आपको 90,000 TDS देना पड़ेगा। तो पहले वाले में प्रॉब्लम आपको ज़्यादा आ गई क्योंकि यहाँ आपको TDS ज़्यादा देना पड़ गया। एक क्वेश्चन हमने लिया है इलस्ट्रेशन नंबर 8, इसमें 3 लोग हैं, तीनों की सैलरी दे रखी है नेट सैलरी और ATC की डिडक्शन है कंट्रीब्यूशन टू RPF। अब आपसे पूछ रहा है कि अगर एम्प्लॉई अपना पैन भरते हैं तो बताओ, और अगर पैन नहीं भरते हैं तो बताओ क्या सीन रहेगा। मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन पे लेके जा रही हूँ। ये हम लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, हमने नेट सैलरी लिखी है, 4 लोग हैं ABCD, सबकी सैलरी हमें दे रखी है, ATC की डिडक्शन हमें मिल गई है 1.5 लाख तक की मिलेगी, याद रखिए 1.5 लाख से ऊपर नहीं मिलेगी, तो इसको 45, 50, 140, 150 मिल गई, ठीक है। लेस करने के बाद मेरी टोटल इनकम 165, 615, 860 और 19 लाख हो गई। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल रेट से टैक्स लगाएंगे जो हमारा टैक्स बनता है। मैंने 165 पर टैक्स देखा तो बनता ही नहीं क्योंकि 2.5 लाख से नीचे है। 615 पर टैक्स लगाया, मेरा बना 36920। नॉर्मल रेट से टैक्स लगाने के बाद आपको बी को 36,920 का टैक्स देना है अगर पैन दिया है उसने तो। सिमिलरली इसने 8,60,000 रुपये ऊपर इतना टैक्स देना है, सिमिलरली इसने 19 लाख पर इतना टैक्स देना है। मेरे ख्याल से इस पोर्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिंपल टैक्स निकाला है। लेकिन अब उसने कहा है कि पैन दिया है तो टैक्स बताओ, तो ये आपको सामने ही टैक्स है जी। लेकिन अगर पैन नहीं दिया है तो क्या प्रॉब्लम आएगी, तो प्रॉब्लम पहले वाले के साथ फिर भी नहीं आएगी क्योंकि पहले वाले की तो इनकम टैक्सेबल है ही नहीं। अब दूसरे वाले पे आ जाओ, दूसरे वाला है 6,15,000 वाला पर्सन, टोटल इनकम है 6,15,000, 2.5 लाख मैं लेस करूँगी, जो भी इनकम बनेगी उसके ऊपर नॉर्मल रेट से टैक्स नहीं लगेगा, उस पर लगेगा 20% से टैक्स। तो 6,15,000 में से मैंने कहाँ है मेरा 6 लाख, हाँ
मैंने एग्जेम्प्टेड अमाउंट 2,50,000 माइनस किया तो मेरा आया 3,65,000। अभी मैं 20% से क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि ये इसलिए लगा रही हूँ आपने पैन नहीं दिया है, तो 20% लगाया 73,000 बना। मैं पहले कंपैरिजन करूँगी कि बी अपनी इनकम पर किस रेट से टैक्स दे रहा है। नॉर्मल रेट तो इसका 5 भी है 20 भी है, लेकिन 5 तो मैंने लेना ही नहीं ना, मैंने तो सारी पे 20 लेना है, तो मैंने तो 7 पूरे के पूरे अमाउंट पर ही एक तरीके से आपसे 20 ले लिया, तो 36,920 की बजाय मुझे अब 73,000 भरने पड़ रहे हैं। ये इसीलिए हो गया कि मैंने पैन फिल नहीं किया था। अभी सेम केस यहाँ पे भी आ जाओ, इस पर्सन की देख लेते हैं, इसने भी 5 से भी दिया है, 20 से भी दिया है, 30 से इसने भी नहीं दिया है, नहीं दिया ना, कोई बात नहीं, हमने उसे कुछ नहीं लेना देना। हम देखेंगे, हमारी इनकम है 8,60,000, 2,50,000 की डिडक्शन दो, कहाँ गए, ये रही 8,60,000 माइनस 2,50,000 कितना हो गया 6,10,000। मुझे सारी इनकम पर 20% से टैक्स लगाना है, बना 1,22,000। अगर नॉर्मल रेट देती तो इतना देती, अब दूंगी इतना। सेम केस अगले बंदे का भी हो गया, अभी इसने दिया है नॉर्मल इतना, चलिए इसकी इनकम है 19 लाख, 19 लाख पे आ जाओ, कहाँ रखा है 19, यस दिस इज़ 19 माइनस 250, दैट इज़ 1650, सबके ऊपर 20 लगाओ, 3,30,000 बनता है। लेकिन इस पर्सन ने तो ऑलरेडी 3,97,800 रुपये का टैक्स नॉर्मल रेट से निकाला है, तो हमने उसमें 3 चीज़ें लिखी हैं, जो रेट इन फोर्स है, जो रेट इन सेक्शन है, और 20% है। तो यहाँ पर रेट इन फोर्स तो हमारा भैया 5 भी है, 20 भी है, 30 भी है, और क्योंकि इसकी इनकम 19 लाख है, तो इसकी कुछ इनकम 30% में भी आ रही है, शायद इस वजह से इसका टैक्स ज़्यादा बन गया। लेकिन यहाँ पर टैक्स कम बना, लेकिन हमने तो ज़्यादा वाला देना ना, विच एवर इज़ हायर, तो 3,97,800 ही ये टैक्स पे करेगा। ये पैन नहीं भरेगा तो भी, और भरेगा तो भी इतना टैक्स पे करेगा। लेकिन बीच के दोनों लोगों को थोड़ा नुकसान हो गया, पहले पर्सन को कोई नुकसान और कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये था हमारा पैन फिल ना करने का नतीजा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।